हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर। चलो तो हम आज से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लेसन वन जो है बेसिक ऑफ मोबाइल फोन या आप बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट समझ लो। बिकॉज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो अगर आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को समझ जाओगे, उसके पार्ट्स को, उसके पार्ट्स की पहचान, उसके पार्ट्स की टेस्टिंग और उसके पार्ट्स का जो वर्किंग क्या है और खराब होने की स्थिति में उसको क्या करना है, जब इस सारी चीज़ों की पहचान, सारी चीज़ों को पता चल जाएगा तो आप दुनिया के किसी भी डिवाइस को आप रिपेयर करने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो मोबाइल फोन का जो बेसिक लेसन है उसमें मोबाइल फोन के स्पेयर पार्ट्स है। तो सबसे पहले जो है उसमें आपको ये सारे जो मेरे चीजें हैं ये सारे को आपका जो साइन है, जैसे कि ये डायोड है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, ठीक है कि नहीं, डीसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इस तरह के जितने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसके पहचान कैसे होती है, पहले आपको मैंने दिखाया था कि ये साइन किस तरह से होते हैं और ये मैं आपको बता रहा हूँ वो दिखते कैसे हैं मोबाइल में, कैसे दिखते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें। उसके बाद कौन से टूल से इनको पहचानेंगे, ठीक है, फिर ये सारे टूल्स हैं इसको यूज करके हम इनके इनको चेक कर सकते हैं, इनको रिपेयर कर सकते हैं। ये जो जितने भी टूल्स हैं उसको कैसे यूज करना है ये आपको बता दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये अब आ गया मोबाइल का ब्लॉक डायग्राम। इस तरह से आपको पूरा सिस्टम हर स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा कि कौन सा सेक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, कौन सा सेक्शन से कैसे जाता है, जैसे सिम कार्ड का कहाँ पे पहले सप्लाई जाता है, मेमोरी का कहाँ जाता है, पावर सप्लाई कहाँ से आता है, वीडियो आउट कैसे होता है, डिस्प्ले से कनेक्शन कौन से सेक्शन से, जैसे देखिए स्पीकर आउट आएगा, स्टीरियो वो पहले ऑडियो एम्पलीफायर में जाएगा, फिर स्टीरियो ऑडियो कोडेक आईसी में जाएगा, फिर एनालॉग बेस में जाएगा, फिर आरएफ ट्रांसफॉर्मर रिसीवर में जाएगा, फिर एंटीना से वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, या यहाँ से रिसीव हुआ एरो का निशान है, रिसीव होगा और ट्रांसमिट होगा, दोनों चीजें होती है, ठीक है, ऐसे यहाँ से रिसीव हो गया, यहाँ से इसको फिल्टर किया, यहाँ से इसको एनालॉग किया, फिर इसको स्टीरियो ऑडियो में एम्पलीफाई कर दिया और इसको फिर स्पीकर से होते हुए बाहर निकाल दिया। इस तरह से सारे सेक्शन को आपको वन बाय वन करके प्रॉपर बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके डायग्राम इस तरह से दिखते हैं, जो भी कोई मोबाइल फोन का डायग्राम है ना इस तरह से प्रॉपर दिखता है ये आपको, फिर जैसे इसको सिस्टमैटिक बोलते हैं, ये सिस्टमैटिक आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि इसको कौन सा पार्ट कैसे कहाँ से कहाँ जाता है। जब आपको इसका और पार्ट्स का जानकारी हो जाएगा, ठीक है, जब आप लोग पार्ट्स और उसकी जानकारी हो जाएगा तो आप किसी भी डिवाइस को ठीक कर सकते हो। जैसे कि मोबाइल फोन में देख लो, ये पीसीबी है ना, इस पीसीबी का ये इसका सर्किट है, ये इसका सर्किट है, जो अभी ये दिख रहा है वो इस तरह से यहाँ पे पूरे बोर्ड में है, जिसमें देखो कहाँ एंटीना पॉइंट है, कहाँ ऑन ऑफ स्विच है, कहाँ रैप फिल्टर है, कौन सा ऑडियो आईसी है, कौन सा, ये सारा फिर आपको सर्किट में प्रॉपर बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सेक्शन है वो, उसको और थोड़ा से डिफाइन करके इसको ब्लॉक डायग्राम में समझा दिया गया कि कहाँ से कौन से आईसी किसको किसको कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पार्ट्स के बारे में पहचान बता दिया जाएगा कि कौन सा पार्ट, जैसे ये रिंगर है, कौन कौन से मॉडल के, वो सारे एक एक करके सारे पार्ट्स का पार्ट से आपको बताया जाएगा। जैसे जितने सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं एक एक करके सबका नाम आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आपको हर लेसन में बताएंगे ए टू जेड स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन सा पार्ट कैसे यूज होता है। तो अगर आपने ऑनलाइन देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एवरी लेसन को प्रॉपरली वन बाय वन कर करके लेसन वन लेसन टू से लेकर के लास्ट तक, जिसमें फॉल्ट फाइंडिंग तक, सर्किट डायग्राम से लेके ब्लॉक डायग्राम से, सर्किट डायग्राम से लेकर के पीसीबी पे काम करने से लेकर के और फॉल्ट फाइंडिंग तक, कि प्रॉब्लम को ढूंढना कैसे है और उसको ठीक करने का क्या, प्रॉब्लम की फाइंडिंग और प्रॉब्लम की फिक्सिंग सारा ए टू जेड बताया जाएगा। तो अगर आप हमारे कहीं से ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, दूर है
तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सारी नोटिफिकेशन आती जाएगी, या हमारे वेबसाइट पे जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे वहां से आप वेबसाइट से सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएगा और ए टू जेड सारे वीडियो आप एक एक करके देखेगा तो 75% तक आप मोबाइल रिपेयर सिर्फ यूट्यूब देख करके कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि सभी वीडियो को ध्यान से ए टू जेड देखना पड़ेगा, जितने सारे 45-50 वीडियो होंगे वो सारे आपको ए टू जेड देखना पड़ेगा, उसमें से आपको सारा कुछ फोन को डिसेंबलिंग कैसे करना है, फोन को खोलना कैसे है, पैक कैसे करना है, खोलते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं, पैक करने के बाद किन किन बातों का ध्यान करना है, क्योंकि मोबाइल रिपेयर का काम एक ऐसा काम है जिसमें अगर आपने फोन कस्टमर का फोन खराब कर दिया तो फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए कम से कम ये तो जरूर होगा कि आप हमारे सारे वीडियो देखने के बाद आप कभी फोन को खोलेंगे तो फोन खराब नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन खराब नहीं करेंगे, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% सभी फोनों को ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सारी वीडियो आपको वहां पे मिलेगी, और ऑफलाइन कोर्स के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे फोन करके पता कर सकते हैं। थैंक यू, आज का ये हो गया।